guys, I'm Shivam. Yeah, and I think Ashish is the most common name in India for Shivam. You know, कोई भी बंदा उसके कोई दोस्त है नहीं है तो उसके भी दो दोस्त होंगे तो मैं नाम आशीष और शिवम. And I can prove my point. तो भाई क्या नाम है तेरा? भाई क्या यार, सबको यही है. ये शिवम नाम की प्रॉक्सिमिटी इतनी ज्यादा है कि मतलब किसी रैंडमली भी बोल दो ना भाई मेरा नाम शिवम है, नहीं भाई तेरा क्या नाम है, तो उसका 70% चांस रिप्लाई होगा ठीक हो भाई. ओके, सो रिसेंटली इट वाज वैलेंटाइन, सो लगता नहीं, बट आई एम आल्सो डेटिंग अ गर्ल. मी बीइंग अ गाय फ्रॉम राजधानी, डेटिंग अ गर्ल फ्रॉम LSR इज एज अनयूजुअल एज क्रिश 3 गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स. और आई गेस नो कांग्रेस फॉलोअर्स हियर, इट्स लाइक राहुल गांधी गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ PM. यू नो इट्स नेवर गोना हैपन, बट समटाइम्स इट्स ओके. Okay, so I asked, she was a girl from South Delhi. So I asked her, so where are we going to meet tomorrow? She wrote, Echoes, be on time. Yeah, I gave this confused look. I asked, Arey, haan, I'll be on time, but milna ka hai? Is bar bold letters with two stars, Echoes. This time, I knew I was screwed. Main Google pe gaya, Google pe jaake pata laga, sala South Delhi ka sabse famous restaurant hai. Ab 7 baje ki date thi, main 6:30 pahunch gaya. Gentleman rules, you know, you have to do it. So the date went well. After it ended, it was like I had to drop her to the conveyance by which she is going home. I walked out here. To stop the auto, I raised my hand. All I heard was, tunum, tunum. I turned around and she was standing there like, can I drop you home? Bhai, Ashwad LSR ki ladki nahi patani. And guys, talking about girls, flirting on Facebook is damn awkward, man. It is damn awkward. मतलब एक बार मैं एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे स्कूल में 10th क्लास में है, तो मुझे बता रही थी ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है. तो उसने मुझे बताया कि इको वाले सर मुझे बड़े परेशान करते. मैंने कहा वो इको वाले सर, अब तो बच्चा है अपना. वो हिस्ट्री वाले सर, अगर उसका हम तो नाम ले दिया एक बार. तो मैंने कहा अब चोर बन गए, चोर जरूरी चीज़ है. फिर मैंने भाई उसको फ्लर्ट करने के लिए एक शायरी लिख के भेजी. मैंने उससे कहा, मोदी ने बंद कर दिए 1000 के नोट, मोदी ने बंद कर दिए 1000 के नोट, तेरी खूबसूरती ने सीधी मारी मेरे दिल पे चोट. अरे यार, उसका रिप्लाई कैसे करो आप लोग? उस लड़की की रिप्लाई मेरे पास है, भैया मैं 11th में कौन सी स्ट्रीम लूँ. But that was the first time जब मैंने किसी लड़की को ब्लॉक किया. So recently I was talking to my mom कि मम्मा कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ. My mom was like, no you're not dating any girl, no you don't have to mingle with any girl. And I was like, mom you're saying don't like interact to your own kind. It's like Rahul Gandhi saying thank you for not choosing your hand, choose use your own. So all the Haryanvis give me a cheer. So a very few people. Alright, मतलब आप किसी को भी बताओ ना सबसे पहले कि यार आई बिलोंग टू हरियाणा, तो बंदे का सबसे पहला सवाल यही होता है, भाई जाट सगे? एंड आई एम लाइक, नहीं यार मैं जाट नहीं हूँ, और उस जाट आंदोलन में मेरा कोई हाथ नहीं था, और मोस्ट प्रोबब्ली आने वाले में भी नहीं होगा. अच्छा, मैं भी एबी वीपी हूं, पर मैं रामजस नहीं गया. और दूसरी चीज जो लोग पूछते हैं वो है सपना. देखने वाला सपना नहीं, देखने वाली सपना. And for those who don't know what sapna she's doing, re halle halle chalegi ye pyar ki gaddi re, minne bhitar ban jayegi teri solid body re. So also like you're talking about jaat, I'll tell you, bachpan se na hamare dad se ek baar bolte hain ki Sharma ji ke ladke jaisa bano, Sharma ji ke bacche padhte hain, tum bhi unki tarah padho. Padke wo bhi aate DU mein hi hain. Agar wo aate Hindu aur SRCC mein, to inka naam badal ke Hindu college se Sharma college rakh do na. Hindu college kyun rakha hai bhai? तो पढ़ाई की बात करते हुए, जब हम छोटे थे तो हमारे डैड से हमसे बोलना शुरू किया, बेटा पढ़ ले पढ़ ले. उन्होंने मेरे से 9th क्लास में कहा, बेटा पढ़ ले, 2 साल पढ़ ले, अच्छी स्ट्रीम, जिंदगी सेट. भाई फिर हम पढ़े, अच्छी स्ट्रीम मिल गई. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 11th 12th में और पढ़ ले बेटा, जिंदगी सेट. हम पढ़े भाई, बहुत पढ़े, DU में एडमिशन हो गया, और क्या चाहिए. फिर जब हम कॉलेज में आए ना, तो उन्होंने हमसे एक बात कही जिससे मेरे सारे सपने टूट गए. उन्होंने मुझसे कहा, बेटा 3 साल और पढ़ ले, लाइफ सेट है. और यार जब भी हम जिंदगी की लड़की बात आज तक सेटिंग ही नहीं थी. और जब भी हम कॉलेज में आते हैं ना, तो हमारे सपने होते हैं लड़की पटाएंगे, लड़की घुमाएंगे, और हमसे ज़्यादा सपने होते हैं हमारे दोस्तों के. आप किसी को बताओ कि भाई मैं कॉलेज में, तो सबसे पहले सवाल हमसे ये करता है, भाई बंदी सेट करा दे यार. और भाई वो बंदी सेट कराने में हमसे 3 तरीके में बोलते हैं. पहले वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमसे भाई बंदी करा देना, करा देना, करा देना. दूसरे वो हमसे गुस्से में बोलते हैं, भाई बंदी सेट करा रहा, करा रहा यार, करा देना. और तीसरे लोग वो हमसे भाई रिश्वत देते हैं, वो हमें कहते हैं भाई बंदी सेट करा दे, दारू पिलाऊंगा. मैं तो पीता भी नहीं भाई. So, DU में आने के बाद कितने लोगों के ख्वाब टूटे? Like, I literally want to ask, मेरे टूटे. Like, I'm a big fan of Karan Johar's film. His films, oh, I don't know it's his or hers, आज तक क्लियर नहीं हुआ. मैं बट उसकी मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ. Like, कभी खुशी कभी गम, वहाँ पर करीना कपूर होती है, और यहाँ पर एक्सक्यूज मी फॉर दिस, वो वॉक इन क्रॉप टॉप शॉर्ट्स, रेटिंग गाइस ना टू या ओके ओके. एंड देन ऋतिक रोशन पास, तुमने ही पास, एंड शी इज लाइक,
ये कौन से जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा भाई, पू ये नरेंद्र मोदी थोड़ी। एंड देन टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बहुत 6 feet टॉल फ्रेशर्स, एब्स हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, ऐसे फ्रेशर्स कौन से कॉलेज में जाते हैं भाई? लिटरली कहाँ जाते हैं? और वो जाते हैं, ऐसे गेट खुलते हैं, और अभी हमारे इंडिजिबल आर्ट गार्ड ने आइकन नहीं आएगा, नहीं चलने के लिए यहाँ से। ऑल्सो लाइक मुंबई में चलते हैं, पैंट कोट में दिल्ली से हूँ। थैंक यू गाइस, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस।